चलिए सॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है बोर्ड के अंदर, है ना। तो जरा देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती है। फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। देखो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको तो सॉल्वेंट बोलते हैं और उसके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन ये लिखी है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। याद रखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। अब कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है वो जरा आप ध्यान से देखें। हमें चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू आप कॉपी में नोट करेंगे, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लेना और इसके बाद हम नोट करेंगे कि चार क्वालिगेटिव हमें स्टडी करनी है, ठीक है। वी हैव फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज, वी हैव फोर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमें चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है वो है आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है ये देखेंगे बाद में, लेकिन अभी नाम याद करने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड जो है हमारे पास वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है वो है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी देखनी है वो है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी हमें यहाँ पे करनी है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप ध्यान से सुने, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि क्या वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ या ना, तो वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह आपसे सिर्फ पूछा जाए कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा जब तक नाम नहीं दिया जाए। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ यही क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ना वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है ना लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। पूरा टर्म दिया जाए रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है जब तक कि आपको ना बोला जाए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज दी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। इसी तरह से आपसे पूछे फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं नहीं फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सिर्फ प्रेशर नहीं होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि वो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रही हैं, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। देखो मैं समझाऊं एग्जांपल से, ठीक ना, समझना मतलब कि सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रही हैं और नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? देखो मान लो ये है हमारे पास एक लीटर सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, और इस एक लीटर सॉल्वेंट में मैंने यहां पे मान लीजिए वन मोल यूरिया डाला है। क्या डाला है? वन मोल यूरिया, ठीक है, ये सॉल्वेंट है और यूरिया क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूट, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये बन गया है,
एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसमें भी सेम सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये 1 लीटर सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लेते दोनों में सॉल्वेंट वाटर है, तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर है और यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर रहेगा, तो दोनों केस में सॉल्वेंट है वाटर, लेकिन इस बार यहाँ पे जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो है 1 मोल, आपने डाल दिया ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज है आपका सॉल्यूट, ठीक है। अब मान लीजिए देखो यहाँ पे भी 1 लीटर सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी 1 लीटर सॉल्वेंट है और दोनों में सॉल्वेंट वाटर है, लेकिन सॉल्यूट को मैंने डिफर किया है, यहाँ पे सॉल्यूट एक बार 1 मोल यूरिया लिया है और यहाँ पे भी सॉल्यूट एक बार यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज लिया है। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आने वाली है, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कोई एक उठा लेता है, जैसे मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू आ रही है 2 atm, कितनी आ रही है 2 atm, तो यहाँ पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो 2 atm ही आएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ सॉल्यूट 1 मोल लिया है, यहाँ पे भी सॉल्यूट 1 मोल लिया है, तो सॉल्यूट के नंबर देखना है, तो यहाँ सॉल्यूट का 1 मोल है, यहाँ पे भी सॉल्यूट का 1 मोल है, ठीक है। हमें नेचर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब नहीं है कि आपने यूरिया डाला ग्लूकोज डाला, हमें तो नंबर बताओ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर से मतलब ही नहीं है हमें, ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से याद रखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेंगी, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। इसके बाद की वीडियोस में हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझेंगे और उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ओके।